नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज कर रहे थे, तो हमने 50-50 करके 600 प्रश्न कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो क्लास नहीं देखी है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के वीडियो में 601 से 650 यानी आज भी 50 प्रश्न करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे कराए हुए एमसीक्यू एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। तो चलिए, समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आज का ये मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें आपके सामने प्रश्न है, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे पात्र दिए हैं और नाटक दिए हैं, जिसको आपने सुमेलित करके बताना है। तो सही उत्तर इसका बताना है, जिसमें पहले मैं इसका ड्रॉ पेंसिल ले लेती हूँ ताकि मैं आपको ड्रॉ करके बताती चलूँ कि कौन सा पात्र किस नाटक से है। तो यहाँ पे देखिए, बाबू सक्सेना जो पात्र है मुआवजे नाटक से है, मामूली राम है शत्रुमुर्ग नाटक से, चोपड़ा ये है जनतंत्र जिंदाबाद से, माधो सिंह तो ये है दिल्ली ऊंचा सुनता है से। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो आपने सुमेलित करते हुए सही उत्तर बताना है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखें। तो हाँ, आप बताइए कि जो ठलुआ क्लब है, इसके जो लेखक हैं वो हैं बाबू गुलाब राय, हिप्पी पंथ जो है वो विद्या निवास मिश्र का है, खरगोश की सींग तो ये है प्रभाकर माचवे का, रहा किनारे बैठ तो ये है शरद जोशी का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो समालोचक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, अभ्योदय है मदन मोहन मालवीय का, मर्यादा जो है धर्मवीर भारती का है, युग चेतना मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, जो समालोचक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, अभ्योदय मदन मोहन मालवीय का है और मर्यादा धर्मवीर भारती का नहीं है, ये है मर्यादा है कृष्णकांत मालवी का। तो कृष्णकांत मालवी का है ये मर्यादा, मर्यादा कृष्णकांत मालवी का है। तो युग चेतना है डॉक्टर देवराज का। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली हिंदी का पहला एब्सर्ड नाटक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है शत्रुमुर्ग को, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सही उत्तर बताना है आपने। तो परमजीत जो है वो है बेघर उपन्यास का पात्र है, राय जदा जो है वो है मेरे संधि पत्र का, श्याम सुंदर दास जो है सुबह होती है शाम होती है का, किशोर बाबू जो है इसका पात्र है वो कली कथा वाया बाईपास उपन्यास का पात्र। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पात्रों को उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको इसके ऑप्शन भी देखने को मिले। तो जो शोभा है, शोभा पात्र वो है मरण मरणातीत का, वासुदा है तत्सम का, नीलिमा यह है अपने सलीबे, और सुषमा है पचपन खंबे लाल दीवारे का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और फिर पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, तो जिसमें जो वंशी है, वंशी पात्र किसका है, तो वंशी पात्र जो है मुक्ति पर्व का है, चंदन ये है छप्पर का, और सखन सखन जो है ये आ जाएगा जस तस भई सवेर,
जगजीवन राम जो है ये इसका जो पात्र है, मिट्टी की सुगंध। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें अपना गांव जो है, अपना गांव के जो पात्र हैं वो हैं मदन मोहन दास नेमी शराय, अस्थियों के अक्षर तो ये हैं शिवराज सिंह बेचैन का पात्र, हरिजन ये हैं प्रेम कपाड़िया का पात्र, सीलिया तो ये सुशीला टाक भोरे का पात्र। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो सही उत्तर बताइए घुसपैठिया। घुसपैठिया दलित जो कहानी है, दलित कहानी पूछा है ना, दलित कहानी के जो लेखक है घुसपैठिया ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, चमार जो है ये जयप्रकाश कर्दम का, बहू जुठाई तो ये है रमणिका गुप्ता का, और वह पढ़ गई तो ये है कुसुम वियोगी का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां रूप जहां को, तो ये जो पंक्तियां हैं ये बोधा की हैं, देह दहे न रहे सुधी गेह की, भूलहु नेह का नाव न लीजे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये घनानंद की पंक्ति है। उसके बाद उक्ति भली भाषा में आवे तो यह सोना सुगंध कहावे, तो ये जो पंक्ति है ये रस खान की है, को न काहू की काने करे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है, तो ये पंक्ति है, सॉरी ये जो उक्ति वाली जो है ऑप्शन सी, हेरा फेरी हो गई, उक्ति भले भाषा में आवे तो यह सोना सुगंध कहावे, ये रस खान की नहीं, ये जान कवि की है, को न काहू की काने करे सिगरो ब्रज वीर बिकायो गयो है, तो ये रस खान की है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी दलित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें तड़प मुक्ति की, तो तड़प मुक्ति की माता प्रसाद की है, हेलो कामरेड तो ये है मोहनदास नेमिशराय का, कठौती में गंगा तो ये आ जाएगा डॉक्टर एन सिंह का, आज़ादी किसकी तो ये है करमशील भारती का। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है वो है काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो जिसमें इसका ऑप्शन सही बताना है, तो 14 भुवन जो तर उपराही ते सब मनुष्य के घट माही, तो ये जो पंक्ति है काव्य पंक्ति ये है जायसी की, कवि विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे, तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास की है। उसके बाद देहा सरिस अतिथय महसु अणिना दिठ्यो, तो ये जो पंक्ति है ये है सरहापा की, पंडित ओ बुधवंत समाना पढ़े पुराण अर्थ सब जाना, तो ये है कुतुबन की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है हिंदी दलित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सुरंग, सुरंग जो दलित कहानी है इसके जो लेखक हैं डॉक्टर दयानंद बटोही, द्रोणाचार्य एक नहीं इसका जो लेखक है वो है कावेरी, उसके बाद हेरी कब आएगा तो इसके जो लेखक हैं सूरजपाल सिंह चौहान, उसके बाद 4 इंच की कलम, 4 इंच की कलम ये दलित कहानी के जो लेखक हैं वो हैं कुसुम वियोगी, कुसुम वियोगी इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर इसका सी होगा। अगला प्रश्न जो बनता है, पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ
सुमेलित करना है। तो सही उत्तर इसका, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको सारे प्रश्न देख सारे ऑप्शन देखने को मिले। तो यहाँ पे जो काली काली पात्र जो है उसका उपन्यास जो है वो है ऑप्शन, काली जो पात्र है वो नरकुंड में वास का उपन्यास है, सॉरी उपन्यास का पात्र है। उसके बाद राबिया, राबिया जो पात्र है वो जिंदगी जिंदगी नामा का है, राबिया जिंदगी नामा का पात्र है। अदीब, अदीब आ जाएगा कितने पाकिस्तान का। सुनीत, सुनीत जो है वह है मुक्ति पर्व का पात्र। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, उपन्यास को उनके कथा लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें पाही घर, पाही घर उपन्यास है, इसके जो लेखक हैं वो हैं कमलाकांत त्रिपाठी। दीवार में खिड़की रहती थी, दीवार में खिड़की रहती थी, ये भीष्म साहनी का है। सूखा बरगद, सूखा बरगद मिथिलेश्वर का है। और नीलू, नीलिमा नीलूफेर जो है यह है भीष्म साहनी का। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाट्य कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन ऑप्शन ए, जिसमें भारत दुर्दशा जो है 1876 की है, अजात शत्रु 1922 की है, रक्षाबंधन 1934 की है, और आधे अधूरे 1969 की है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगली जो नाट्य कृति है उनको अनुक्रम में लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी, जिसमें अंधा युग जो है 1954 की है, आषाढ़ के एक दिन 1958 की है, द्रौपदी 1972 की है, कबीरा कबीर खड़ा बाजार में 1981 की है। अगला जो प्रश्न नाट्य कृतियों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी, जिसमें कोणांक, कोणांक का जो सही सन होगा 1951, अंजो दीदी, हाँ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कोणांक का जो सही सन है 1951, अंजो दीदी 1954, एक और द्रोणाचारी 1971, कोर्ट मार्शल 1900, कोर्ट मार्शल का क्या आ जाएगा, ये आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका बी सही उत्तर होगा। उसके बाद मुझे इसका कोर्ट मार्शल का आगे के तीन तो मेरे को ध्यान आ रही है, इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, उसका मेरे को सन बताइएगा नीचे। अगला जो नाट्य कृति है इसका सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम इसका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जिसमें भारत दूरदर्शा जो है 1976 की है, और दुखनी बाला 1980 की है, ध्रुव स्वामिनी 1933 की है, अंजो दीदी 1954 की है। अगला नाट्य कृति को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा नाट्य कृति का इसमें ऑप्शन ऑप्शन ए, जिसमें लहरों के राजहंस 1963 की है, पहला राजा 1969 की है, मादा कैक्टस 1972 की है, युगे युगे क्रांति 1972 की है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है नाट्य कृति का उसको अनुक्रम में लगाना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें सूखा सरोवर 1960 की है, कर्फ्यू 1973 की है, अब्दुल्ला दीवाना 1975 की है, एक सत्य हरिश्चंद 1977 की है। तो सही उत्तर उसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद काव्य कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, जिसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पद्मावत जो है, जिसमें पद्मावत है 1954 की, सॉरी 19 पद्मावत जो है 1540 की है, पद्मावत 1540 की है, मधुमालती 1545 की है, हंस इसका थोड़ा हेर फेर हो गया,
इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सही उत्तर इसका हो रहा है पद्मावत जो है 1540 की है, मधुमालती 1545 की है, हंस जवाहिर 1700-1736 की है, और अनुराग बासुरी 1764 की है। उसके बाद ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमित सब कोई, मिले सुसंस्कृत पारस्यों पे अति प्रगट जु होए, किस कवि का दोहा है? तो ये भिखारी दास का दोहा है। उसके बाद लिपियों का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें सही उत्तर उसका बताना है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस पहले आएगा चित्रलिपि, फिर भावलिपि, ध्वनि लिपि, फिर अक्षर लिपि। उसके बाद उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जिसमें सेवा सदन 1918 का है, रंगभूमि 1925 का है, गबन 1931 का है, और गोदान 1936 का है। उसके बाद प्रभा खेतान के उपन्यास को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर उसका बताना है, जिसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आओ पेपे घर चले, ये 1990 की है, छिन्नमस्ता 1993 की है, अपने अपने चेहरे 1994 की है, और पीली आंधी 1996 की है। तो सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो है मैत्री पुष्पा के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। स्मृति दंश जो है 1990 की है, इदनमम जो है वो है 1994 की, चाक 1997 की, अलमा कबूतरी 2000 की है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें ऑप्शन इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन सी गिरती दीवारें जो है 1946 की है, गरम राख 1952 की, शहर में घूमता आईना ये 1962 की है, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 की है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है वृंदावन लाल के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें गढ़ गुंडार जो है कुंटार 1930 की है, विराट की पद्मनी 1936 की है, मृग नयनी 1950 की है, माधवराव सिंधिया 1957 की है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है निराला के उपन्यासों का अनुक्रम में लगाना है, जिसमें सही उत्तर इसका जो होगा वो है ऑप्शन बी, जिसमें अप्सरा जो है 1931 की है, अलका 1933 की, निरुपमा 1936 की, चोटी की पकड़ 1946 की है। इसका जो मैंने आंसर लगाया था वो गलत आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिखा है, लेकिन जो मैंने इसका आंसर बता रही हूँ वो उसका सही है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया है, तो ये थोड़ा हेरा फेरी हो गई है। यहाँ पे चोटी की पकड़ मैंने लिखा था, चलिए चोटी की जो पकड़ है वो 1946 की है, तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है ऑप्शन ए, जिसमें जो श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों को अनुक्रम में लगाना है, जिसमें जो सूनी घाटी है